हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रूबी। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं क्लाउड किचन चलाती हूं। मुझे बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी जब मैम आप जो हर डिश में गरम मसाला डालते हो उसकी रेसिपी बताएं। तो आज मैं ऐसी रेसिपी लेके आई हूं गरम मसाले की, जो मैं अपनी किचन में एक ही मसाले के साथ सारी डिशेज़ बना लेती हूँ। हर किसी का गरम मसाले बनाने का तरीका अलग अलग होता है। गरम मसाला कुछ भी नहीं है, यह सारे खड़े मसालों का बैलेंस्ड मिक्सचर होता है, जो कि डिश को एक यूनिक टेस्ट दे देता है, उसको खुशबूदार बना देता है। कुछ मसाले इसमें अर्दी होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, कुछ खुशबूदार होते हैं और कुछ पंजेंट होते हैं। कुछ मसाले हीट भी देते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग फ्लेवर के होते हैं। बस इन सब मसालों को समझ के बैलेंस्ड वे में ही बनाने से एक बेहतरीन गरम मसाला बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपको पता है ना आपने क्या करना है, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो ये है सारे खड़े मसाले जो मैं अपने गरम मसाले में डालती हूँ। ये दो जो मसाले हैं ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी जो इसको किस में हम ऐड करते हैं जब हम कोई डिश बनाने जाते हैं। मैंने लिया है 1/2 कप साबुत धनिया। ये गरम मसाले का बेस होता है, सारे मसालों को न्यूट्रलाइज करता है। ये है 1/3 कप जीरा, ये एक पंजेंट फ्लेवर देता है गरम मसाले को। ये है ब्लैक कार्डमम, जिसको मोटी इलायची भी कहते हैं। ये मैंने लगभग 8 पीस लिए हैं, 7 से 8 पीस। इसको कई कम भी लेते हैं क्योंकि मोटी इलायची हमेशा क्या होता है, हम बॉइलिंग के टाइम में भी डालते हैं, कभी कभी तड़के के टाइम में भी डालते हैं, तो इसलिए ये कम में भी चल जाती है। लेकिन मैं इसको थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लेती हूँ क्योंकि मैं अपने किचन में ज़्यादा खड़े मसाले यूज़ नहीं करती खाना बनाने के टाइम। ये देखिए कितनी मोटी इलायची है। ये खड़े मसाले हमेशा अच्छी क्वालिटी के ही लें, तभी अच्छा गरम मसाला बनेगा। अब आती है बारी छोटी इलायची की। ये इसको हम खुशबूदार खड़ा मसाला भी बोलते हैं। ये मैंने 25 से 30 पीस लिए हैं। ये मैंने 2 स्टिक सिनेमन के लिए हैं, तोड़ के इसको मैंने 4 कर लिए हैं। ये स्वीट एंड स्पाइसी होती हैं। ये है लौंग, जिसको क्लोव्स भी बोलते हैं। ये मैंने लिए हैं तकरीबन 15 से 20। ये स्पाइसी होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर भी होता है इनका। तो अब आती है बारी ब्लैक पेपर की, मतलब काली मिर्च। इसको मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून। बेसिकली ये दो जो होते हैं, लौंग और काली मिर्च, ये हीट देते हैं गरम मसाले को। ये तेज पत्ता है, ये तकरीबन मैंने 6 to 7 लिए हैं। ये मैंने ली है 1 टेबलस्पून सौंफ। ये एरोमेटिक भी होती है और दूसरे स्पाइसेस के पंजेंसी को बैलेंस भी करती है। ये बेसिकली ठंडक देती है गरम मसाले में, तो गर्मियों में हम इसको ज़रूर डालते हैं गरम मसाले में। ये आ गई जावित्री, ये मैंने तकरीबन 3 से 4 लिए हैं। इसका बहुत खुशबूदार और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है गरम मसाले में। ये है नटमेग, इसको हम जायफल भी बोलते हैं। ये जावित्री के अंदर लगा होता है सीड की तरह और जावित्री इसके आसपास होती है, तो इसका भी बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। और इसको मैं सारा नहीं डालूंगी, 1/4 डालूंगी गरम मसाले में। ये है स्टार एनिस, इसको फूल चक्री भी बोलते हैं। इसका भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, ये थोड़ी स्वीट टोन में होते हैं। ये मैंने लिए हैं 2 पीस। तो ये आप देख रहे हो मैंने पीछे 2 मसाले और रखे हुए हैं, ये ड्राइड रोज पेटल्स और पिपली। ये मैं इन गरम मसाले में तो नहीं डालूंगी, लेकिन यह मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी जो कौन सी ऐसी डिशेस होती हैं जिसमें इसको स्पेशली ऐड किया जाता है। तो अब मैं नटमेग को क्रश कर लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं नटमेग 1/4 ही डालूँगी इसमें। तो जैसे मैंने नटमेग को 1/4 डाला है इतने से मसाले में, अगर आप ज़्यादा मसाला बनाओगे तो आप डेफिनेटली 1 तो डालोगे ही, आपने उसको भी क्रश करना है, क्योंकि अगर हम साबुत नटमेग को मिक्सी में डालेंगे तो ब्लेड टूटने का डर होता है। तो आप नटमेग को हमेशा क्रश करके डालें, चाहे जितनी भी क्वांटिटी में डालें। तो अब हम मसालों को गरम करेंगे। गरम हम 2 तरीके से कर सकते हैं मसालों को, या तो बहुत तेज़ धूप हो तो वहाँ सारे मसाले रख दें 3-4 घंटे के लिए, या हम पैन में मसाले को उनके टेम्परेचर के हिसाब से अलग अलग करके धीमी आंच में गरम कर लेंगे।
इसमें मसालों को हल्का सा रोस्ट करना होता है ताकि वो क्रिस्प हो जाएं और मिक्सी में अच्छी तरह से पीसे जाएं। मेन हमारा मकसद होता है जब मसाले से हमने मॉइस्चर हटाना है। तो मैंने पैन को हल्का सा गर्म कर लिया है, अब मैं आंच धीमी कर दूंगी और शुरुआत करूंगी साबुत धनिया से। साबुत धनिया और जीरा मैं अलग अलग ही करूंगी क्योंकि साबुत धनिया थोड़ा टाइम लगाता है गर्म होने में और जीरा जल्दी रोस्ट हो जाता है, इसलिए जितना मेरा हाथ सह रहा है मैं उतना ही साबुत धनिया को गर्म करूंगी। ये देखिए अभी तक मेरा हाथ लगाया जा रहा है, मसालों को क्रिस्प होने शुरू हो गए हैं दाने इसके, तो इसका मतलब मॉइस्चर चला गया है साबुत धनिया से। अब मेरे से हाथ भी नहीं लगाया जा रहा, तो अब मैं इसको प्लेट में ट्रांसफर करूंगी। अब डालूंगी जीरा, इसको भी ऐसे ही रोस्ट करूंगी। ध्यान रखें हमने गरम ही करना है और स्लाइटली रोस्ट करना है, जलाना नहीं है मसालों को, मतलब भुना हुआ जीरा पाउडर नहीं बनाना। ये देखिए जीरा भी क्रिस्प हो गया, अब इसको भी ट्रांसफर करूंगी प्लेट में। अब डालूंगी मोटी इलायची, छोटी इलायची, जावित्री, इनको बिल्कुल धीमी आंच में प्यार प्यार से गरम करेंगे क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होते हैं, अगर ये जल गए तो खुशबू ख़त्म। इनको भी प्लेट में ट्रांसफ़र कर दूंगी। अब डालूंगी दालचीनी, फूल चक्री, नटमेग, आंच हमने धीमी ही रखनी है क्योंकि इसमें जो एसेंशियल ऑयल होता है सारे मसालों में ये इंटैक्ट रहता है और एक्टिवेट होता है, इससे खुशबू बरकरार रहती है। तेजपत्ता, ये देखिए तेजपत्ता से आवाज़ आ रही है, इसका मतलब मसाले क्रिस्प हो गए हैं। इसको भी मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी। अब डालूंगी एक साथ वो वाले मसाले जो गरम मसाले को हीट देते हैं, जैसे कि काली मिर्च और क्लोव्स, लौंग, इनको भी धीमी आंच में पकाएंगे। बस उतना ही करना है इसको जितने में मसाले क्रिस्प हो जाएं। अब सौंफ, तो ये देखिए सारे मसाले हो चुके हैं। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमने इनको पूरा ठंडा करके पीसना है क्योंकि मिक्सी में अपनी हीट भी होती है और अगर हम गरम गरम मसाले पीसेंगे तो मिक्सी की हीट भी होगी और ये भी होंगे गरम, तो बिल्कुल ज़्यादा गरम हो जाएंगे तो उसमें क्या होगा, खुशबू बरकरार नहीं रहेगी क्योंकि एसेंशियल ऑयल सारा उड़ जाएगा। तो इसलिए अगर हमने मिक्सी में पीसना भी है तो उसको भी बंद कर करके पीसना है ताकि मसाले ठंडक में रहें। तो अब मसाले को ठंडा होने देते हैं, ठंडे होने के बाद हम पीसेंगे इनको मिक्सी में। तो जब तक मसाले ठंडे होते हैं हम इन दोनों की बात कर लेते हैं। वैसे तो ये दो जो मसाले हैं वो हम ओवरऑल गरम मसाले में भी डाल सकते हैं, जिसको हम यूनिवर्सल गरम मसाला कह सकते हैं, लेकिन ये मैंने अलग इसलिए रखे हैं क्योंकि इसकी थोड़ी स्पेशलिटी बताना चाहती थी मैं। ये जो ड्राइड रोज लीव्स हैं ये बेसिकली जब हैदराबादी या मुगलई डिशेस बनती हैं उसमें यूज़ होती हैं, तो अगर हमने कुछ ऐसी डिशेस बनानी हैं तो इनको हम स्पेशली अलग से थोड़ा गरम कर लें और ग्राइंड करके इसमें मिक्स कर लें गरम मसाले में। और ये है पिपल, पिपली बोलते हैं इसको, तो ये मोस्टली बिरयानी में बहुत अच्छी जाती है,
कबाब्स में बहुत अच्छे जाती है, तो इसलिए अगर आपके किचन में ऐसी डिशेस हैं तो इनको ज़रूर डालें। ऐसे ही हम धीमी आंच में इसको रोस्ट करेंगे और पीस के गरम मसाले में ऐड कर देंगे। अगर आप एक यूनिवर्सल गरम मसाला बनाना चाहते हैं जिसमें आप इनके भी थोड़ी थोड़ी खुशबू लेना चाहते हैं, तो आप सारी की सारी, ये 1 टेबल स्पून है, और 3-4 टेबल स्पून इसको डालें पिपली को और इसमें ग्राइंड कर लें। मैं अपनी किचन में सिर्फ इसी मसालों के साथ गरम मसाला बनाती हूँ। तो ये मेरा गरम मसाला पीस चुका है। जैसे ही मैंने इसको पीसा, मेरी किचन पूरी खुशबूदार हो गई। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है गरम मसाले से। तो कुछ लोग इसको छान भी लेते हैं गरम मसाले को, लेकिन मैं इसको दरदरा ही रखती हूँ। तो अब इसको वेट करूँगी कि इतने खड़े मसाले से हमारा गरम मसाला कितना बना। तो ये 126 ग्राम हुआ है गरम मसाला। मैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी इसलिए पीसती हूँ क्योंकि मुझे हमेशा एक फ्रेश और खुशबूदार मसाला चाहिए होता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप लार्ज क्वांटिटी में नहीं पीस सकते हो। लार्ज क्वांटिटी में पीसें लेकिन उसको स्टोरेज बहुत ध्यान से करें, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये देखिए, ये एयर टाइट डब्बी में मैंने थोड़ा सा गरम मसाला निकाल लिया है। इसका कारण ये है, जो रोज़ रोज़ मैंने गरम मसाला डालना होता है घर की सब्ज़ी में, तो अगर मैं इसको रोज़ रोज़ खोलूँगी, रोज़ रोज़ बंद करूँगी, तो इसकी खुशबू उड़ती रहेगी। तो थोड़ा सा इसमें निकाल लेती हूँ, और ये जितना गरम मसाला बचा है मैं बैकअप में कोई एयर टाइट ऐसी ही डब्बी में रख दूंगी। मेन बात यह है कि गरम मसाले को ठंडक चाहिए होती है। तो जैसे अब इतनी गर्मी पड़ रही है और हमने ज़्यादा क्वांटिटी में गरम मसाला बना लिया है, तो अगर लंबे समय के लिए आपने रखना है तो आप फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हो, इसकी खुशबू बरकरार रहेगी। तो ऐसे ही बैकअप वाले मसाले को हम किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज या फ्रीजर में भी रख सकते हैं, फ्रीजर में ये जमेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, पहले अपने मसालों को जानें और इनके अंदर तक जाके पूरी नॉलेज लें। मुझे एक अपना कॉलेज का किस्सा याद आया। इसमें मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स ली हुई थी, तो मुझे इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने अपने सर को बोला, सर मुझे इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, इसका मैं क्या करूँ? तो सर ने बोला जो इकोनॉमिक्स के अंदर तक घुसो। तो हम लोग मजाक में ले लेते थे, हम लोग बुक लेते थे और हम लोग घुस जाते थे, कितनी अंदर तक सर, कितनी अंदर तक। फिर सर कहते थे, कोई बात नहीं, जब सिर पे पड़ेगी ना तब पता चलेगा तुम लोगों को, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो अब जाके मुझे समझ में आया, जब तक मैं मसाले के अंदर तक घुसी नहीं तब तक मैं इसके फ्लेवर नहीं निकाल पाई। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को सीखने के लिए पूरी नॉलेज लें, जितनी नॉलेज ले सकते हैं लें, बुक्स पढ़ें, रिसर्च करें, जो भी आपके आसपास है चीज़ें उनको बटोरें। तो फ्रेंड्स, इसके साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जो मैम इस चीज़ को कितना डालना है, 1 टीस्पून डालना है या हाफ डालना है। इसमें मैं ये कहूँगी कि आप ज़्यादा मेजरमेंट्स में ना जाएं, साइंस को समझने की कोशिश करें जे कितने रेशियो में कितनी चीज़ पड़नी है, कौन सी चीज़ ज़्यादा लेनी है, कौन सी चीज़ कम लेनी है, और कुकिंग को फ्रीली करें, एन्जॉय करके करें, बिंदास होके करें। तो जैसे ही आपने फूड की केमिस्ट्री समझ ली तो बन गए आप कुकिंग के मास्टर। तो खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, आपके काम सफल हो, सरबत का भला हो, और हाँ, अपने आप से प्यार करना ना भूलें, और मेरी वीडियो लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। बाय बाय।